इंडियन नेशनल लोकदल की चंडीगढ़ में इनेलो ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय पर विस्तार से उसे बताया गया, जिसमें अध्यक्ष बीएस ढालिया ने जिसे जारी किया। कांग्रेस की ही तरह इनेलो ने भी कई लोक लुभावन वायदे किए। घोषणा पत्र में खिलाड़ियों का खास ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही बुढ़ापा पेंशन 5,000 करने की बात कही गई है। गरीब महिलाओं को 2,000 भत्ता देने का वादा किया गया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल का ये घोषणा पत्र है, जिसमें किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। मुफ्त बिजली किसानों के लिए रखी गई है। गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए 5 लाख रुपयों की सहायता देने की बात कही गई है। बुढ़ापा सम्मान पेंशन के तौर पर भी 5,000 रुपये इंडियन नेशनल लोकदल ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो ये तमाम चीजें पूरी की जाएंगी। पहला वादा ये है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाएगा और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उनको लाभप्रद मूल्य प्रदान किया जाएगा। किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे। ये पहला काम हमारी सरकार आने पर करेगी कि किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए 10 लाख तक के कर्जे, किसानों और छोटे व्यापारियों दोनों के ही 10 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे। किसानों के ट्यूबवेल का बिजली का बिल पूरा माफ किया जाएगा, कोई बिजली के लिए चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएंगे।